नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन और आप देख रहे हैं पीहू मुंबई ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो यूट्यूब वाले ने रिमूव कर दिया। अभी मैंने नया एक चैनल खोला है पीहू मुंबई ब्लॉग के नाम से। तो मैं अभी आया हूँ वसई और वसई से अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर कल्याण। सकते हैं मेरे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि वसई से शॉर्टकट कल्याण या डुम्बली दीवा जाने के लिए कोई ट्रेन है क्या। तो दीवा क्या, मैं लोगों से उसके रिकॉर्डिंग में या कि वीडियो बना रहा हूँ। पहला आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये फ्लाईओवर जो अभी फ़िलहाल नया रिसेंटली बना होगा पेंटिंग के हिसाब से या उसके डिजाइनिंग के हिसाब से। बट यहाँ का जो सिचुएशन था अदरवाइज या जो भी अंदर यहाँ के कंडक्ट थे, मैं यहाँ के बेस्ट हूँ। अभी हम वसई जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाते हैं। मैं इसके पहले था एक नंबर पे, मैंने बताया मैं भाईंदर से आया यार, अभी हम लोग जा रहे हैं वसई जो दीवा की तरफ जाती है जो 6 नंबर या 7 नंबर पे बन के जाती है। तो फिलहाल ही हम लोग 6 नंबर से नीचे के लिए उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीढ़ी और ये 7 नंबर के प्लेट पर जो दीवा से गाड़ी आएगी और यहाँ से बन के जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको आना होगा तो वसई जो कोई अगर आपको दीवा के शॉर्ट के लिए मारना चाहता है तो यहाँ से आप एक चेंजेस करके देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं, बेसिकली हम लोग वसई के लिए निकल गए हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। और हम लोग दिखाते हैं गाड़ियाँ एक आ रही हैं मेल। गाड़ी एक घंटा तकरीबन 45 मिनट डेली के जैसे गाड़ी हम जाके वसई से निकल चुके। अब देख सकते हैं ये देखो अभी यहाँ से तकरीबन 5 मिनट लगेगा जुहू चंद्र। लेकिन हम लोग आपको जुहू चंद्र दिखाते हैं जुहू चंद्र दिखता कैसे। फाइनली जो सामने के आपके रेलवे लाइन के बिजली के खंभे दिख रहे हैं वो जाते हैं चर्च के साथ। अभी हमारे फाइनली यहाँ से क्रॉस हो चुके हैं, हम देख सकते हैं ये बस सामने सब जुहू चंद्र हैं और उस तरफ की जो साइड है वो नायगांव है। मैं वो जूम करके दिखाता हूँ, एक ऑलरेडी मेल गाड़ी खड़ी है जिसके लिए सामने में दिखा रहा हूँ, उसको जूम कम कर देता हूँ। ये मालगाड़ी है गाड़ी की स्पीड बढ़ने वाली है तो आपको शायद दिख जाए। अभी आने वाला देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे नमक की खेती ज़्यादा थी आउटसाइड है। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने स्टडी के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट या साउथर्न इंडिया इन सबके सूट सूट हैं। कोई इन तरीके से यहाँ पे सूट के हिसाब से बनाई जाती है। तो बिकॉजली अगर आप नायगांव से बिलोंग करते हैं या फिर यहाँ पे न्यू कनेक्शन का काम चालू है और नायगांव स्टेशन से सबकी तक
तकरीबन दो दिन 8 या 9 किलोमीटर के दायरे में सारी गलियाँ अवेलेबल रहती हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी आ गया है एक तरफ से। अगर उस तरफ से जाते हैं तो नायागांव रहता है, अगर इस तरफ से आप जाते हैं जुहू चंद्र स्टेशन पड़ता है। तो ये हमारा अगला स्टेशन आ गया है जुहू चंद्र। अभी बड़ी बड़ी कंडीशन बिल्डिंग देख सकते हैं जो यहाँ पे दिख रही है। तो बेसिकली स्टेशन से सफर तो लेकिन 2-3 किलोमीटर के दायरे में, और यहाँ पे कुछ स्लो या लो बजट के हिसाब से अपने घर कैरी कर सकते हैं। जुहू चंद्र में जो नायागांव और दोनों के सेंटर में पड़ता है, यहाँ से भी अब हम लोग हाईवे जा सकते हैं और ब्रिज का भी काम चल रहा है। हम पहुँच गए इधर से जुहू चंद्र, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बैट बॉल भी खेल रहे हैं वी पेप्सी की बोतल से। दूसरा आपको जिसको जाना शॉर्ट कट जो आपको जर्नी आपकी बच जाएगी। यहाँ से भी सही से बुकिंग ट्रेन होती है, जैसे कि एक लोकल ट्रेन भी होती है, मेल भी होती है। मेल ट्रेन कल्याण स्टॉप है, आप उन दोनों जगह पर भी बैठ सकते हैं। रात के साथ जो घूमना है तो चल रहा, जिस मेरे सुनने की बातें अभी तो देखता नहीं, तो इसके बाद आएगा स्टॉक में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक रिसोर्ट भी छोटा सा, बहुत अच्छा रिसोर्ट है।
मज़ा लेना है तो आप इस ट्रेन में आ सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए। दूसरी ट्रेन में भी अभी मैं जाकर जैसे कि अपने हिसाब से स्टेशन भिवंडी आ गया, देख सकते हैं आप। जो जहाँ रहता है ना उसको वो स्टेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं पहला बोला मैं कुरला, मेरे को पहले बहुत अच्छा लगा, अभी कुरला से अच्छा लगा। मतलब बोलने बोला ट्रेन गई बल्कि खेलने कूदने तुम चलो तुम तालाब आता है लेकिन यहाँ ऐसे वैसे गाँव के लोग रहते हैं, शायद इसको मोटा गांव का जगह की बोलते हैं, सब मोटा गांव ही होता है, मोटा गांव के में ही आता है। जो यहाँ से भी थाना बाईपास जो बन रहा है ना, वहाँ भी मानपाड़ा टू थाना, वो इसी के ही दरमियान बीच में होकर जाने वाला है, जिसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ एक बार। ये मोटा गाँव की, यहाँ से मोटा गाँव जाने का रास्ता अपना चालू होता है इस तरीके से। डेवलपमेंट नहीं होना देना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर डेवलपमेंट में बहुत ही कम पीरियड होता है। इस ऊपर का इलाका है, ये दीवा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा फोर्स भी दिल्ली में ही है। हाँ
सबसे ज्यादा नेता आपको दिल्ली में ही मिलेंगे, इंडिया के सारे चूते वहीं मिलेंगे आपको, मेन ब्रांच सारे सारे।